सो गाइस आप लोगों को पता होगा कि जब भी एलविस यादव को इंटरव्यू में वो प्लेग्राउंड सीजन 4 में फुकरा इंसान के बारे में पूछा जाता है तो एलविस यादव भाईचारे के नाते फुकरा इंसान को ना फनी वे में ना टोट करते है, क्योंकि भाई ऑडियंस को देखने में ना काफी ज्यादा पसंद आता है। लेकिन एलविस यादव का कोई भी इंटेंशन ऐसा नहीं होता कि वो फुकरा इंसान को हेट करे। लेकिन एलविस यादव की इसी बात के ऊपर जब फुकरा इंसान ने अपने चैनल पे क्यों ने वीडियो अपलोड किया तो भी किसी बंदे ने पूछा था इसी चीज के ऊपर, तो इसका रिप्ले फुकरा इंसान ने क्या किया वो आप यहाँ पे देख सकते हो। मुझे ऐसे बोलता है कि भाई उसने आपके बारे में ऐसा बोला, इसके बारे में आपके बारे में बोला, आप अफेक्ट नहीं होते, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। देखो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज बताता हूँ, सबसे पहली बात, जो पढ़ा लिखा आदमी होगा और जो समझदार होगा वो कभी भी किसी के बारे में जाके बुरा नहीं बोलेगा, वो नहीं बोलेगा। जो बंदे होते हैं ना जो सिर्फ किसी के बारे में बक 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 करते रहते हैं वो लिटरली गवार और छपरी होते हैं और उनके पास और कोई काम नहीं होता, वो यही करते हैं बिकॉज उन्होंने अपने ऑडियंस को यही सिखाया हुआ है कि भाई मैं फालतू बोलूंगा, तुम सैवेज रील्स काटो, ये तुम भी बिजी रहोगे, मैं भी बिजी रहूंगा, मैं सैवेज बनूंगा। नहीं भाई, कोई भी बिग क्रिएटर इस इंडस्ट्री में उठा के देख लो जो बड़ा हुआ है, जो बहुत बड़े लेवल पे है, जिसकी इज्जत है, वो कभी भी किसी यार में फालतू नहीं बोलता। तुम अपने मेंटल पीस को प्रोटेक्ट करो, खुश रहो। आई ऑलवेज स्टे हैप्पी, आई स्माइल, आई ट्राई टू इंस्पायर पीपल। मुझे मेरी ऑडियंस के बहुत लोग मिलते हैं, बहुत अच्छे से मिलते हैं। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि मैं अगर अपने मुंह से कुछ बोलूं, कुछ सिखाऊं और सोशल मीडिया पे आऊं तो मैं सिर्फ पॉजिटिविटी दूं, मैं नेगेटिविटी से दूं। तो गाइस इसी चीज के ऊपर आप लोगों का क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट में बताना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए तो इतनी न्यूज थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।